अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्तों, क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है। आज हम बनाने बहुत ही मज़ेदार सा केक, बहुत स्पॉन्जी, बहुत टेस्टी। इसके लिए करना क्या है, आपने 6 अंडे लेने हैं, उसकी जर्दी और सफ़ेदी को अलग अलग करके अच्छी तरह सफ़ेदी को बीट कर लेना है। सफ़ेदी को बीट करने के बाद इसमें एग जॉक डाल देने, यानी जर्दी जो आपने अलग की थी वो अच्छी तरह डाल के इसको चंगी तरह रख के बीट करना है। इसके बाद इसमें 2 कप पाउडर शुगर जाएगा, मैंने थोड़ी सी कम डाल दी क्योंकि मैं इसके ऊपर गनाश भी बन जानी थी, तो मैंने इसमें 1.5 कप से थोड़ी सी ज़्यादा और 2 कप से थोड़ी सी कम रखी थी। आगे तुम लोगों की मर्ज़ी। पहले मैंने हाफ चीनी डाल के अच्छी तरह बीट किया, फिर मैंने पकाया कि हाफ चीनी डाल के अच्छी तरह बीट किया। जब दोनों अच्छी तरह बीट हो गए, फिर मैंने 2 कप मैदा लिया, मैदे में मैंने 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर डाला। मैदा छान लेना है, अच्छी तरह छान लेना है, कोई लम्स ना रहे, ठीक है। 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल के मैंने इसको अच्छी तरह मिक्सी कर लिया। इसके बाद ना कोको पाउडर छान के अच्छी तरह डाल दिया, उसको अच्छी तरह मिक्सी कर लिया। मैं 1/2 कप कोको पाउडर ले रही हूँ। अब जब हो जाए ये अच्छी तरह मिक्सी तो इसको डाल दें जो हमने चीनी और अंडे को बीट किया था उसमें। अच्छी पहले हाफ डालें, फिर हाफ डाल के मिक्स कर लें। इसको अच्छी तरह मिक्सी करते रहें, तो मिक्स करके मैं आती हूँ दोबारा। अब ये हाफ हो गया, अब इसमें मैं बकाया का बैटर डालती हूँ, ठीक है। तो अब मैं तुम लोगों से थोड़ा सा ना अपोलोजाइज करने आई हूँ। मैंने जब इसमें ऑयल डाला था ना, मेरा कैमरा बंद था, मुझे पता नहीं चला, यार माफ़ी दे दो उसके लिए। लेकिन मैंने इसमें 1.5 कप ऑयल डाला था, 1.5 कप ऑयल डाला था, वो तुम लोग स्टेज पर डाल दो। तो फिर बाद में इसमें चॉकलेट चंक्स डाल दो। अब मैंने महान ने चॉकलेट दिखा दी और ऑयल नहीं दिखाया, तो तुम लोग मुझे गालियाँ निकाल रहे हो गए। छोड़ो यार, जिसमें केक बनाना है, कोई आपके घर कोई भांडा है, कोई बर्तन है, उसमें केक उसमें अच्छी तरह ग्रीसिंग कर लो, बटर पेपर लगा लो, बटर लगा लो, जो मर्ज़ी लगा लो, नहीं है तो बटर थोड़ा सा ऑयल लगा के उसके बाद थोड़ा सा फ्लोर छिड़क लो, जो है उसे। मैं कुछ नहीं कहने वाली यार, मैं तुम लोग की बहन जानती हूँ। इसके बाद तुम लोगों ने हाफ बैटर इसमें डाल देना है। बैटर डाल के इसको अच्छी तरह टैप शैप कर लो, ताकि सारी जो एयर बबल जाए वो निकल जाए। फिर इसको ओवन में रख के बेक कर लो। मैंने 2 केक बनाए थे, एक बड़ा एक छोटा, ओवन में बहुत अच्छी तरह राइज हो गए। तो फिर क्या करना है, हमने गनाश बनानी है। क्रीम डालो पहले, आप लोग घर की मलाई ले लो, क्रीम ले लो, उसमें चॉकलेट चंक्स डाल दो, ठीक है। चॉकलेट चंक्स डाल के इसको मेल्ट कर लो अच्छी तरह, नीचे ना लगे। उसके बाद जो केक रेडी करना है उसके ऊपर मैं डालूँगी चॉकलेट गनाश। ये तुम लोग ना भी करो, ये स्टेप ऑप्शनल है, लेकिन इससे केक ज़रा बाहर वाली फीलिंग आती है कि स्पेशल केक बनाए, वरना तो आम तो फिर आम ही लगता है कि लोग केक ही बनाए, ठीक है। इसको अच्छी तरह इवनली स्प्रेड कर लो। इसके बाद जो पर लकीरें शकीरें मारनी है मार लो, जो डिज़ाइन करना है कर लो, जो जो तुम लोगों ने करना है कर लो, हमने गंदा सा कर लिया था यार, जो लकीर शकीर मारनी है मार लो, ठीक है। तो ये जो तुम लोग पाउडर सा देख रहे हो ना, ये केक के जो साइड से उतरता नहीं होता, नीचे से थोड़ा सा ना वो जो क्रिस्पी सा होता वो वाला हिस्सा, ठीक है। फिर ऊपर मूंगफली, मुझे लगता है कि हमें इवनली स्प्रेड करनी चाहिए थी, लेकिन हमने लाइन, मुझे लग रहा है इस टाइम वीडियो देखते हुए वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन यार ये भी अच्छी लग रही है। केक बहुत टेस्टी बना था। घर में किसी अम्मी अबू दादा दादी चाचा चाची भाई बहन की बर्थडे ना, उनको सरप्राइज दो इस केक से यार। पार्टी शार्टी घर में कोई छोटी मोटी, और केक ना अम्मा लाओ करें, या अम्मा के अबू की रात को सालगिरह है और तुम उनसे पैसे भी नहीं मांग सकते कि लो जी आपकी आपकी सालगिरह के हमने आपको केक ला के देना है, पैसे दो हमें। तो भाई ये केक बेस्ट है, लेकिन बनाते भी अम्मा को पता चल जाना है, तुम लोग इसी के घर जाके बनाया ना, ठीक है। तो चलते हुए सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, चलो ठीक। हाँ ये हो ना, अच्छा बच्चों वाली बात, ओके अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।